Hey guys, good afternoon and welcome to Frontier Gaming. It's your boy RJ is back with another new video, and this video is the most awaited and recommended video because someone recommended me to make this video. किसी ने मुझे बोला था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, उसके बाद बोला था, मैंने उस समय बोला था हाँ ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास मटेरियल्स की कमी थी. आई एम विद लैक ऑफ मटेरियल्स. सो अब मेरे पास मुझे लगता है कि इनफ मटेरियल्स है. सो मुझे लगता है कि मैं इस कैरेक्टर को बिल्ड कर सकता हूँ. सो चलो इस कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं. और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि यह कैरेक्टर कौन है, किसे मैं बिल्ड करने वाला हूँ, तो गाइस ये हिंट दे देता हूँ, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्समैन में से एक है. और अब आपके पास, आपके दिमाग में घोड़े दौड़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि ये कौन हो सकता है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग एक्समैन. वुल्वरीन होगा, साइक्लॉप्स, प्रोफेसर एक्स, जीन ग्रे, मैग्नीटो, कौन हो सकता है. सो गाइस ये सस्पेंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं मेरे टीम. हाँ, यहाँ पे ये रहा मेरा टीम, और इस टीम में जिस कैरेक्टर को मैं टीयर बिल्ड करने वाला हूँ वो है जीन ग्रे फिनिक्स. सो इसको मैं बिल्डअप करने वाला हूँ. बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, बहुत मीन्स करीब करीब 2-3 वीक्स हो गया इसके मैसेज किए कि जीन ग्रे के ऊपर वीडियो बनाओ, जीन ग्रे के ऊपर वीडियो बनाओ, मतलब हाउ टू बिल्ड और कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मटेरियल्स लगेंगे. सो मैंने बोला था ओके मैं बना दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो. और फाइनली उन लोगों ने पेशेंस रखा है, उन लोगों के पास CTP ऑफ पेशेंस था, इसीलिए बहुत बढ़िया. और मेरे पास भी CTP ऑफ पेशेंस था, तो इसीलिए मैंने पेशेंस रखा. धीरे 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 मैंने मटेरियल्स को कलेक्ट किया और फाइनली मेरे पास इतने मटेरियल्स है कि लगता है कि अब ये जीन ग्रे जो है वो बिल्ड हो ही जाएगा आई थिंक. तो खैर जो भी हो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं इसको बिल्ड करना. सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज़ बता देता हूँ कि जीन ग्रे आपको मिलेगा कैसे. सबसे पहले तो आप एपिक क्वेस्ट में जाओ, वुल्वरीन वाले एपिक क्वेस्ट को कम्प्लीट करो. कम्प्लीट द एपिक क्वेस्ट ऑफ वुल्वरीन, एक्समैन एपिक क्वेस्ट. ओके, उसके साथ साथ Tier 2 Rogue, Tier 2 Storm एंड Tier 2 Cyclops, इन तीनों कैरेक्टर्स को Tier 2 करो. ठीक है, क्योंकि एपिक क्वेस्ट, वुल्वरीन एपिक क्वेस्ट जब आप कंप्लीट करोगे, व्हेनेवर यू कंप्लीट द वुल्वरीन एपिक क्वेस्ट यू विल गेट Tier 2 60 level वुल्वरीन इंस्टेंटली. ओके, और इस गेम में शायद रिकमेंड होगा, इस एपिक क्वेस्ट में, एक्चुअली इस एपिक क्वेस्ट में रिकमेंड होगा रोग 5 star, स्कॉट 5 star, स्टॉर्म 5 star एंड बीस्ट 5 star आई थिंक. सो खैर इनमें से बीस्ट को हटा दो, जस्ट फोकस ऑन रोग, स्टॉर्म एंड साइक्लॉप्स, मेक देम Tier 2. वेल, क्लिक ऑन द ट्रैकिंग पोर्शन, यू कैन सी दिस, यू कैन सी देयर 10 bios ईच, रोग, बीस्ट, स्टॉर्म एंड साइक्लॉप्स. यू विल गेट 10 bios पर डे, सो इन अ मंथ यू विल गेट 300 or 300+ bios. ओके, सो प्ले रेगुलरली दोज ट्रैकिंग्स. ओके, स्पेशली ऑन रोग, स्टॉर्म एंड साइक्लॉप्स, बिकॉज यू नीड टू Tier 2 देम. एंड वेल, व्हेनेवर यू मेक द Tier 2, वेल 4 characters आर रेडी, बट यू नीड 1 more character टू अनलॉक जीन ग्रे. And his name is Magneto, the master of magnetics, Magneto. Someone calling me, got it. So you can click on this, you see this. Whenever you get the deluxe pack of Magneto, you will get 6-star Magneto instantly. जब भी आप Magneto का deluxe pack खरीदोगे, Magneto 6-star आराम से आपको मिल जाएगा. बस उसको आपको Tier 2 करना है. और Tier 2 कैसे करोगे, यहाँ से, ये जो है म्यूचुअल एनिमी, यहाँ से आपको Magneto का बायोस मिलेगा. जैसे कि मेरे पास देख रहे हो, एक जीन ऑफ Magneto ओन 351, साथ ही साथ एमक्रन शार्ड्स, एमक्रन क्रिस्टल्स और फिनिक्स फेदर, ये सभी आपको मिलने वाले हैं. सो ये वाला रेगुलर खेलते रहो. और इसमें एक चीज़ है, इसमें आपको 2 बार खेलने का मौका मिलेगा. यू कैन, यहाँ पर देख पा रहे कि Daily 2 लिखा हुआ है, मैंने 2 बार खेल दिया है. सो 2 बार आपको खेलना ही पड़ेगा आपको. और तो और बस खेलते रहो. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ से आपको टोटली
ट्वेंटी टू ट्वेंटी 18 to 20 बायोस आराम से मिल जाएगा, ईजिली विल गेट 18 to 20 मे बी 22 बायोस ईजिली ऑफ मैग्नेटो. सो इफ यू गेट 20 बायोस पर डे देन इन अ मंथ यू विल गेट 600 बायोस. इट्स वेरी ईजी टू मेक मैग्नेटो टीयर टू. जस्ट यू हैव टू प्ले दिस म्यूचुअल एनिमी दिस गेम कॉन्टेंट रेगुलरली इन दिस एपिक क्वेस्ट वुल्वरीन. ओके, सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट मैग्नेटो टीयर टू एंड व्हेन एवर यू हैव ऑल फाइव कैरेक्टर्स टीयर टू यू विल गेट वन स्टार लेवल वन टीयर टू जीन ग्रे. इट इज़ ए नेटिव कैरेक्टर और नेचुरल टीयर टू कैरेक्टर. सो यप, यू हैव टू बिल्ड हिम, बिल्ड हर, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बैडेस्ट वुमेन इन दिस गेम. हाँ, सो लेट्स गो अगेन, गो टू द टीम. सो आपको शायद पता चली, आपको शायद थोड़ा सा होगा तो आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. तो इसी तरीके से आपको जीन ग्रे अनलॉक होगा आपका. ठीक है, सो चलते हैं. यहाँ पे मैंने क्लिक किया है जीन ग्रे फिनिक्स. सो जीन ग्रे का जो है कौन कौन से मटेरियल्स आपको चाहिए. तो जीन ग्रे के लिए सबसे पहला मटेरियल्स जो है वो है गोल्ड, जो कि अब मेरे पास है 264 मिलियन. बहुत है, ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड मैंने सेविंग कर करके इतना लेवल तक, मतलब इतना मिलियन तक सेव किया है. कुछ लोगों को तो मैंने देखा है 500 मिलियन गोल्ड सेव कर रहे हैं. मतलब कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मेरे जैसे ही बंदे होंगे. और इसके साथ साथ गोल्ड के साथ साथ आपको लगने वाले हैं इन्वेंट्री में, अगर मैं चला जाता हूँ और मटेरियल्स में अगर मैं जाता हूँ तो आपको लगने वाले हैं यहाँ पे तीन इम्पॉर्टेंट चीज़. एक है एमक्रन शार्ड्स, फिनिक्स फेदर और एमक्रन क्रिस्टल. साथ ही साथ आपको चलो ये तीनों तो लगने ही वाले हैं आपको, और गोल्ड, ये तीनों, ये चार चीज़ आपको ज़रूरत होगा. सो चलो चलते हैं. सबसे पहले तो इसका मैस्ट्री को आप करते हैं. यू कैन सी दिस, मेरे पास 1862 है. होपफुली कि ये काम कर जाए. मुझे डाउट लग रहा है कि पता नहीं ये कंप्लीट होगा भी या नहीं, बट ओके लेट्स गो, लेट्स डू दिस. एंड ओके 500,000 गोल्ड एंड जीन ग्रे इज नाउ मॉन्स्टर. ओके देन यू हैव टू डू दिस द लेवल अप. ओके लेट्स गो टू द लेवल अप. आई हैव रोग्स, यू कैन सी दिस, ओनली वन लेवल टू 40 लेवल यू नीड 261 बायोस. ओके सो आई यूज देम and here we go, reach to the level 40 and then rank up. For that rank up you need phoenix feather. Phoenix feather ki aapko bahut zarurat hai bhai. Phoenix feather kam se kam 5000 plus rakho, kyunki phoenix feather yahan pe bahut lene wala hai. So oh 1.5 million gold. Okay, so let's do this, no problem. And here we go, my Jean Grey is now tier 2, I mean sorry, 2 star actually. Okay, increase the mastery for 1 million, means 500,000, then 1.5, then 1 million, means already is 3 million. And here we go, 2 star, well means 2 star mastery increase. Okay, rank up again. You need a 500 phoenix feather, and you can see the 3 million means total 6 million gold already used. Wow, 3 star Jean Grey. 3 more star needed. And now what? Okay, mastery. 200, and you can see this 7.5 million. आई कैलकुलेटिंग गोल्ड, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ गोल्ड को कितना लग रहा है. ओके अब यहाँ पर लेवल अप करना होगा. सो मैं यहाँ पे रोग किधर है, हाँ रोग से ही कर देता हूँ. थोड़ा सा रह गया. ओके मीन्स लेवल 40 टू लेवल 45 यू नीड 325 बायोस, मीन्स 261 बायोस फॉर वन लेवल, लेवल 1 टू लेवल 40, एंड लेवल 40 टू लेवल 50, लेवल 40 टू लेवल 45 you need 325 bios. So you can add them and check how many bios you need so far from level 1 to level 45.
ऐड करो गाइस, मैं ये बायोस का चीज़ ऐड नहीं करने वाला मैं। तो चलो इसको यूज़ करते हैं, और ये हो गया लेवल 45। ओके अब रैंक अप करना है फिर से। सो ओके 6 मिलियन मीन्स वाओ 13.5 मिलियन वाओ ग्रेट। एंड 4-स्टार जीन ग्रे इज रेडी। यप एंड नाउ आई हैव टू डू दिस द मैस्ट्री अप। 250 एमक्रॉन क्रिस्टल्स यू नीड मीन्स 13.5 मिलियन इज नाउ 15.5 मिलियन, 2 मिलियन मोर। एंड ओके एंड 2 मोर स्टार्ट टू गो लेवल अप। यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है भाई। सो मैं बायोस भी बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि फ्री कैरेक्टर्स के बायोस मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि इसका क्योंकि वॉर पैथ रेड स्कल आप डायमेंशन शॉप से आपको मिल जाएगा इनके बायोस। ठीक है, मैग्नेटो का मैं यूज़ नहीं करने वाला। मैक्स ड्रॉप हो गया तो टोटल कितना बायोस हुआ, 697 बायोस। सो लेवल 1 टू लेवल 261, लेवल 40 टू लेवल 45, लेवल 40 टू लेवल 45 यू नीड 325 बायोस, एंड लेवल 45 टू लेवल 50 यू नीड 697। एंड हियर वी गो, माय जीन ग्रे इज नाउ लेवल 50, आई एम रियली हैप्पी। ओके रैंक अप अगेन, वाओ 1200 एंड वाओ 9 मिलियन गोल्ड। आई थिंक इट्स 24 मिलियन, 24.5 मिलियन आई थिंक आई कैलकुलेट। ओके 5-स्टार मैस्ट्री अप, 2.5 मिलियन मीन्स 24.5 मिलियन मीन्स इट्स नाउ 27 मिलियन गोल्ड डन। ओके 5-स्टार नाउ लेवल अप अगेन, से इज ए ह्यूज टास्क। थॉर आई विल यूज दिस, ओनली 2 लेवल इंक्रीज आई यूज दिस। मोडॉक नो आई डोंट नीड यू, हॉल्क नो, कैप्टन अमेरिका इज ऑलरेडी Tier 3, कैप्टन मार्वल, सूरी एंड डन। सो कैन यू कैलकुलेट प्लीज फॉर मी एनी वन, 349, 288, 256, 233, 210 एंड 160 एंड 2। आई डोंट नो हाउ मच बायोस बट यप इट्स आई थिंक 1600 प्लस, आई थिंक 1600 प्लस डेफिनेटली। सो आई यूज देम एंड हियर वी गो, माय जीन ग्रे इज नाउ लेवल 55, वाओ नाउ रैंक अप अगेन। वेल 27 मिलियन ऑलरेडी आई यूज, सो 27 मिलियन गोल्ड, सो वाओ 10.5 मिलियन, वाओ दैट्स ग्रेट 10.5 मिलियन। सो लेट्स गो, लेट्स डू दिस 10.5 मिलियन गोल्ड एंड हियर वी गो। यस 6-स्टार जीन ग्रे इज नाउ रेडी एंड मास्टरी अप। ओके 3 मिलियन मीन्स 10 मिलियन मीन्स 37.5 मिलियन एंड नाउ ऑलमोस्ट 40 मिलियन गोल्ड। यू कैन सी दिस, टू 1-स्टार टू 6-स्टार यू हैव टू स्पेंड 40 मिलियन गोल्ड। And here we go, Jean Grey is now 6-star, that's amazing. I'm really happy and now the leveling up. Yep. let's check out. Bishop Bios, I have to utilize Bishop Bios and Suri, definitely. Misty Knight, Kingpin. Vision, okay let's go. Cyclops also, because I already T3 Cyclops. Yep,
ओके आई थिंक अब मुझे एक लंबा जंप मारना पड़ेगा। हाँ आई हैव लोकी। ओ इट्स नॉट एंड येट। ओके लोकी ऑल्सो आई गॉट लोकी फ्रॉम सपोर्ट शॉप। ओ कम ऑन आई गॉट पनिशर। कम ऑन लेट्स गो। I think I am done right now. Wow, how many bios she take in level 50? Oh. Oh man. Okay, I was pushed. I'll leave it. I use him. Oh yes, still okay. So many bios. Okay, level 60. So guys, that's it guys. My Jingray is now 6 star with the 6 star mastery and the level 60. It's the Rise of the Phoenix. And well, click on the skills. So let's see how much gold need in the skills. Dekhte hain ki in skills ko level up karne mein kitne golds lagte hain. Sabse pehle ye 105,000. 273,000 means 300,000 something. 700 1 million I think, and maybe I think 2 million for the first. Okay next stage is the character gear. So yes, you need also गियर अपकिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गियर अपकिट रखो और मैक्स अपग्रेड कर देता हूँ मैं। ओ मैंने गोल्ड देखा नहीं कितना गया मेरा। ओके और 57 मीन्स 577,000। वाओ फिनिक्स फेदर आई थिंक यहाँ पे मैं फंसने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जो फिनिक्स फेदर जो दिख रहे हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 फिनिक्स फेदर चाहिए। अगर मैं इसको अपडेट करूँ तो देखता हूँ कि कितना जाता है। ओके ये तो 2 times में हो गया है लेकिन जैसे जैसे आप 18 या 19 लेवल या 20 लेवल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनिक्स फेदर ले लेगा। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब वो ये जो प्रोग्रेस होता है प्रोग्रेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसीलिए बेटर होगा कि बहुत ही सोच समझ के यूज़ करो क्योंकि और मुझे लगता है कि ये चारों गियर को अगर मैं 20 लेवल तक करने जाऊँगा तो प्रॉब्लम होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। सो ये मुझे इसके लिए एक और पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि फिनिक्स वेदर जो है वो बहुत कम है। मैं ये गियर अप किट का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन डेब्रिस का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या फिनिक्स वेदर विल बी अ बिग चैलेंज। वो चैलेंज में फेंक देगा मुझे डेफिनेटली। बट कैन आई गो? अच्छा ठीक है चलो इसको मैक्स अपग्रेड करके देख ही लेता हूँ क्या होता है। 6 times 5 times 9 times ओ माई गॉड 20 times डैम। सो लेट्स गो अगेन, इसको भी मैक्स अपग्रेड करके देख लेता हूँ। 5 times 1 time 7 times 7 times अगेन ओ 23 times। तो यू कैन सी देख रहे हो गाइज लास्ट वाले में अपग्रेड होने में कितना टाइम ले रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फिनिक्स वेदर ले रहा है। ओके 1 time 5 times 3 times आई थिंक आई ऑलमोस्ट डन इट यप आई थिंक आई डन इट लास्ट ईयर यस एंड आई थिंक यप 1 3 1 लकी ओ 22 यस वेल आई डिड इट। सो ओके टोटल गोल्ड वेल व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड दिस वीडियो आई हैव 264 आई थिंक। सो नाउ
I just remain 210 million, means 54 million gold will utilized. Means guys, there are 54 million gold. That's not bad, that's not bad. But yes, skill upgrade भी बाकी है, तो मैंने सभी का skill upgrade किया नहीं, सिर्फ एक का ही skill upgrade किया है. So खैर मैं कर ही लेता हूँ. वन मिलियन चला गया और टू मिलियन ओके. देखते हैं इसमें भी ओके. 4 मिलियन चला गया. टू टेन से स्टार्ट किया था मैंने, अब 2.6 में आ गया हूँ. सो लेट्स सी. या ओके द लास्ट वन गाइज, मुझे सेकंड पार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा गाइज. तुम लोगों का भरोसा और प्यार ने मुझे देखो जीन ग्रे को एक बार में बिल्ड करवा दिया. हाँ मीन 63 मिलियन गोल्ड. सो गाइज 63 मिलियन गोल्ड रेडी रखना. और मेरा जीन ग्रे तो अभी रेडी है. हाँ रियलाइजेशन पोटेंशियल. लेकिन गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो रियलाइजेशन पोटेंशियल है जीन ग्रे, थैनोस, सिल्वर सर्फर, इन सब का रियलाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही स्लो रेट में होता है. सो गाइज थोड़ा सा पेशेंस रखो. हाँ कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपका लक अच्छा गया तो आप मे बी इन्हें वन वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट रन एंड यू गेट ऑल द पोटेंशियल गेट रियलाइज इन द 100% पोटेंशियल रियलाइजेशन हो जाएगा इन अ वन रन. लेकिन कभी कभी ये 2 वीक्स 3 वीक्स भी टाइम लेता है. सो थोड़ा सा केयरफुल गाइज. जैसे कि मैं अपना सिल्वर सर्फर को दिखा देता हूँ. किधर गया सिल्वू किधर गया? सिल्वू किधर गया हमारा? वेयर इज सिल्वू? सिल्वू ये रहा सिल्वू. ओके अब देख रहे हो यहाँ पे देखो 41.06. ये मैं लास्ट 10 डेज से कर रहा हूँ. सो देख रहे हो कि कितना स्लो बढ़ रहा है. सो गाइज इसमें आपको रियलाइजेशन पोटेंशियल में थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो गाइज थैंक यू जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोला था, उसको हार्टिएस्ट थैंक यू. बहुत बहुत थैंक यू कि चलो आपने बोला और मैंने बना भी दिया और मेरे साथ मेरा जीन भी थोड़ा बिल्ड हो गया है. हाँ ये 50% बिल्ड हुआ है. अभी भी रास्ता बहुत जाना बाकी है. जीन का एक यूनिफॉर्म चाहिए, स्पेशली द यूनिवर्सल वन बेटर. उसके बाद CTP गाइज. CTP मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सा CTP मैं जीन को दूँ, ग्रीड, ऑथोरिटी या डिस्ट्रक्शन, ये आप ही बताओ. आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो गाइज प्लीज़ लाइक करना मत भूलना. और हाँ गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. और गाइज एक गुड न्यूज़ है कि मैं जो फ्रंटियर गेमिंग जो यूट्यूब चैनल है वो 100+ सब्सक्राइबर में पहुँच गया है. ये सब कुछ पॉसिबल हुआ आप ही लोगों के प्यार की वजह से. आप ही लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. यू गाइज सपोर्टेड मी इन एवरी स्टेप. सो गाइज मैनी थैंक यू. आप लोग मेरे साथ रहे और उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर यू ऑलवेज बिहाइंड मी लाइक दिस. आज के लिए बस इतना ही. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मज़े कीजिए. तब तक के लिए